वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PSF साउथ के जनरल सेक्रेटरी औरंगजेब भटक साहब। इनसे हम जान लेते हैं कि सिंध गवर्नमेंट बार बार मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ज़रिए इश्तहार भी चला रही है कि आप जो है घरों तक महदूद रहें और जो है किसी से हाथ ना मिलाए, किसी से गले ना मिले। तो ये सिंध गवर्नमेंट और हमारे जो CM साहब है मुराद अली शाह साहब और हमारे पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम किया है और माशाल्लाह अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ पे। वहाँ के डॉक्टर भी माशाल्लाह सारे अच्छे हैं और काम माशाल्लाह वहाँ पे बिल्कुल किसी किस्म का कोई मसला नहीं है किसी मरीज़ को। बस हमारी लोगों से यही गुजारिश है हमारे चेयरमैन बिलावल, आपके पार्टी वर्कर कितने हैं और पार्टी में आपको किस निगाह से देखा जाता है? ज़ाहिर आपकी खदमात हैं तो जैसे इज्जत की निगाह से देखा जाता है पार्टी में? माशाल्लाह ऐसा तो खैर नहीं है कि OPDs बिल्कुल बंद है, OPDs चल रही है, लेकिन जो पहले जैसे रश होता था उसको ज़रा कम कर दिया गया है क्योंकि OPD अभी हमारी 2 शिफ्टों में हो गई है। पहले सिर्फ मॉर्निंग में लगती थी, अभी इवनिंग में जो हमारे सिविल के जो MS है खादिम हुसैन कुरैशी साहब, वो भी माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी जो है देखभाल कर रहे हैं सिविल हॉस्पिटल की और इंतज़ामिया को माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं। और ऐसी कोई इस खबर में सदाकत नहीं है, सिंध हुकूमत पर तनकीद के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो इस वक्त सिर्फ सियासत कर रहे हैं, वो आवाम की जानों का नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं। और सुबह सिंध में माशाल्लाह जो काम हो रहा है, क्योंकि जैसे ही सिंध में पहला केस इंटर हुआ है कोरोना का याया जाफरी के नाम से आई थिंक शायद था, तो उसी टाइम से CM साहब ने जो है यूनिवर्सिटीज़ पे और कॉलेज पे जो है छुट्टियां उनकी लगा दी थी, उनको जो है ऑफ दे दी थी। तो ये कोरोना के जो है हवाले से ये एक इकदाम था ताकि कोरोना मज़ीद फैल ना सके, लेकिन बदकिस्मती से हमारे CM साहब के अहकाम को वो जारी करते हैं। लेकिन हमारी आवाम जो है उसको भी ज़रा सोचना चाहिए कि अगर कोई ऑर्डर इशू हो रहा है तो उनकी भलाई का है। वज़ीर आला साहब से इसकी मैं ज़रूर अपील करूँगा कि सहाफ़ियों को जो है कम से कम इससे इस्तिस्ना दिया जाए इस ऑर्डर से, क्योंकि अगर इन पर पाबंदी लग गई और ये इनका काम रुक गया तो आवाम तक जो है सच्चाई नहीं पहुँच पाएगी। और बाकी मैं आप लोगों का अप्रिशिएट करता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसके लिए कहना चाहिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छा TV चैनल है और माशाल्लाह यहाँ का स्टाफ और यहाँ का जो है जो मैंने हमला देखा है जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हैं, इखलाक बहुत अच्छा है और माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। थैंक यू सर। ये हमारे साथ औरंगजेब भटक साहब मौजूद थे, इनकी बात है और आखिर में इन्होंने वज़ीर आला से भी यही पैगाम दिया है, बस अपील भी करी है। ज़ाहिर है इनका कहना ये है कि सहाफ़ियों के ख़ासतौर से इन्होंने कहा है कि ये जो डबल सवारी का मसला हल किया जाए और नोटिस लिया जाए, इसका सहाफ़ियों के लिए नरमी की जाए और आखिर में लॉकडाउन के हवाले से आवाम के लिए भी जो उनकी मुश्किलें हैं वो दूर की जाए।